लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए हमीरपुर पुलिस ने कमर कस ली है और मतदान तिथि के दिन ड्यूटी सही ढंग से निभाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान एसपी हमीरपुर अरजीत सिंह ने पुलिस लाइन मैदान में शिरकत की और पुलिस जवानों को दिशा निर्देश दिए। लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए हमीरपुर पुलिस ने कमर कस ली है और मतदान तिथि के दिन ड्यूटी सही ढंग से निभाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान एसपी हमीरपुर अरजीत सेन ने पुलिस लाइन मैदान में शिरकत की और पुलिस जवानों को दिशा निर्देश दिए। एसपी अरजीत सेन ने पुलिस जवानों को मतदान वाले कोई भी कोताही सहन नहीं करने की बात कही। साथ ही एसपी ने प्रशिक्षण शिविर में देरी से पहुंचने वाले पुलिस जवानों से भी जवाब तलब किया। पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ में जाएं, उससे पहले ये ब्रीफ करना सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए है क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपसे क्या एक्सपेक्टेड है और इस ड्यूटी की गंभीरता को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, इसीलिए आप लोगों को इकट्ठे यहाँ पे बुलाया गया। जिस तरह से आज कुछ फोर्स 2:30 बजे का टाइम देने के बावजूद आज थोड़ा लेट आई है, उसके लिए मैं जो है अभी एक्सप्लेनेशन चाहूँगा अपने लाइन ऑफिसर और कंसर्न अथॉरिटीज से, क्योंकि अगर इसी तरह का काम और इसी तरह की हरकत अगर इलेक्शन ड्यूटी के दौरान रही तो ये हमारी पुलिस ड्यूटी और इलेक्शन का जो ये प्रोसेस है उसके लिए बहुत खराब संकेत है। खैर, मैं ये आपके संज्ञान में ये देना चाहूँगा कि ये ड्यूटी जो है अभी आपकी 19 तारीख को जो हमारे इलेक्शंस हैं उसके लिए की जा रही है। आप लोगों को ऑलरेडी ड्यूटीज और आपकी जहाँ जहाँ लगी है ड्यूटी वो बता दी जा चुकी है। आप लोगों को एक बुकलेट भी प्रदान की गई है, जिनको नहीं की गई उनको कर दी जाएगी, और इन केस आपके पास ये बुकलेट फिर भी नहीं मिलती है तो एक ROPE नाम से एक ऐप भी बनाई है पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा, जो कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप उसमें आपको सारे इम्पोर्टेंट नंबर, सारे दिशा निर्देश जो हैं प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा आप लोगों को, मेरे को उम्मीद है कि ज़्यादातर लोगों ने पहले ही इलेक्शंस करवाए होंगे और सारी ड्यूटीज़ दी होंगी, पर फिर भी ये रिट्रेट करना मेरा यहाँ पे कर्तव्य है। सबसे पहले तो ये इंश्योर करें कि आपकी वर्दी जो है, क्योंकि हम पुलिस वाले अगर अपनी वर्दी की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई भी हमको सीरियस नहीं लेगा, तो इसलिए आप वर्दी, नेम प्लेट, कैप और सारी चीज़ें प्रॉपर अटायर में अपनी ड्यूटीज पे प्रेजेंट रहेंगे, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपका पहचान पत्र जिसको बोलते हैं वो हमेशा आपके साथ रहेगा, चाहे आप वर्दी में हैं या कोई अगर सिविल में भी ड्यूटी कर रहा है तो भी वो अपना आइडेंटिफिकेशन जो है अपने साथ रखेंगे। इसके अलावा मतदान केंद्र के साथ, मतदान केंद्र में जो आपके साथ सिविल वो लगेंगे कर्मचारी, उनके साथ आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके एक तरह से मिलना होगा। वहाँ पे जितने भी जीओ साहिबान उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के सेक्टर ऑफिसर बनाए गए हैं वो आपको दोबारा से ब्रीफ करेंगे, और ये सारे मेरे जीओ से अनुरोध रहेगा कि और सेक्टर ऑफिसर से कि जाके एक सेपरेटली दोबारा से ये ब्रीफ में निटी ग्रिटीज जो भी डिटेल्स हैं इस इलेक्शन ड्यूटी की वो दोबारा से आप इनको समझाएंगे, और इन प्रेजेंस ऑफ सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, SHOs, ये सारी ब्रीफिंग दोबारा से की जाएगी। एसपी अरजीत सेन ने कहा कि मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करवाने के लिए पुलिस जवानों की ड्यूटियां लगाई गई हैं, जिसके तहत ही आज पुलिस जवानों को दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि मतदान वाले दिन पुलिस की भूमिका बढ़िया से निभाई जा सके। उन्होंने बताया कि जिला के सभी पुलिस थाना अधिकारी भी मतदान वाले दिन ड्यूटी पर तैनात रहेंगे और पेट्रोलिंग गाड़ियां भी पूरे क्षेत्र में सक्रिय रहेंगी ताकि अप्रिय घटना को रोका जा सके। थाने में 5 QRTs बनी है पर थाना, एक QRT भी बनी है जो गाड़ियों के साथ पूरे इलाके में पेट्रोलिंग करेगी। उसके अलावा हमारे जो गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, DSPs, एडिशनल SP और जो लोकल SHO हैं वो भी फील्ड में तैनात रहेंगे। अगर कोई इस तरह की कुछ गड़बड़ या किसी कानून व्यवस्था में कोई समस्या का की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो हम जल्द उस पर एक्शन लिया जाएगा और हम उसको मैनेज करेंगे।